हाय गाइस, आई एम उदय मेहरा और आप देख रहे हैं वायरल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो कॉमन स्टॉक मार्केट स्कैम्स, जिसके अंदर खास तौर पे वो लोग जो नए आते हैं मार्केट में, जिन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं होता, उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है, कमेंट आता है कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हम एक स्कैम में फंस गए, हमारा ऐसे 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 पैसा छीन लिया गया। तो दोनों स्कैम्स के बारे में बातचीत करते हैं ताकि आप या फिर कोई भी जानने वाला आने वाले टाइम में इसके अंदर ना फंसे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए, सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी, ताकि ज़्यादातर लोगों का इसके थ्रू बेनिफिट किया जाए। फ्रेंड्स, पहले स्कैम की बात करें तो उसका नाम है चेन मार्केटिंग स्कैम। आइए समझते हैं ये किस तरह किया जाता है और कैसे इसमें लोगों को फंसाया जाता है। सपोज कोई बंदा ऑपरेटर जो लोगों को फंसाना चाहता है, उसके पास एक बंच की, एक कम्युनिटी की लिस्ट आती है, जो नए लोग मार्केट में आए हैं उनका फ़ोन नंबर, उनकी डिटेल आ जाती है। सपोज उसके पास 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोगों की लिस्ट आती है, वो क्या करेगा, उस 20 हज़ार लोगों की लिस्ट में से दो ग्रुप्स बना लेगा 10-10 हज़ार के। अब वो 10 हज़ार लोगों को फ़ोन करेगा, एक चीज़ बोलेगा, 10 हज़ार लोगों को फ़ोन करेगा, दूसरी चीज़ बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास टिप्स है, मेरे पास पीछे से टीम है, मेरे पास सोर्सेज है, मुझे पता है कि ये स्टॉक या स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में क्या करेगी, आपको अगर हमारी टिप्स चाहिए तो आप हमारे को एक फीस दीजिए और हम आपको रेगुलर टिप्स देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ज़्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है कि आप हमारे को टिप्स देना चाहते हैं, ठीक है, बट आप हमारे को एक ट्रायल दीजिए, अगर आपका ट्रायल सही जाएगा, आपकी टिप्स सही जाएगी, तो हम आपको एक फीस दे देंगे। तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए 20 हज़ार लोगों में से 10-10 हज़ार लोगों के दो ग्रुप्स बनाएगा और उनको सपोज वो इन्फोसिस, आज इन्फोसिस 750 के आसपास है, उनको बोलेगा कि अगले 10 दिन के अंदर इन्फोसिस का स्टॉक जो है आज जिस प्राइस पे है उससे ऊपर जाएगा। 10 हज़ार लोगों को बोलेगा कि ऊपर जाएगा, 10 हज़ार लोगों को बोलेगा कि नीचे जाएगा। अब इन्फोसिस का जो स्टॉक है आज जहाँ पे है वहाँ से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक पॉसिबिलिटी तो होनी ही है। तो क्या होगा कि 10 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनको उसकी टिप सही लगी, अगेन वो लोग हो सकता है उसको बोले कि भाई हमारे को एक दफ़ा और ट्रायल दो या एक टिप और दो, तो सेम बात वो फिर से क्या करेगा, जो 10 हज़ार लोगों को उसकी टिप पहले सही गई थी उनको इस बार बोलेगा कि सपोज बजाज फाइनेंस आज इस प्राइस पे है, फ्रेंड्स मेरी टीम ने निकाला है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, आधे लोगों को बोलेगा कि ये नीचे जाएगा। तो सपोज वो 5 हज़ार लोगों को बोलता है कि ये ऊपर जाएगा, 5 हज़ार लोगों को बोलता है कि ये नीचे जाएगा, तो क्या होगा कि 5 हज़ार लोग अब ऐसे होंगे दूसरी दफ़ा जिसको उसकी टिप सही लगी, उसकी बात सही लगी। जिन लोगों को नहीं लगी होगी उनको तीसरी टिप देगा, चौथी टिप देगा, ऐसे करके बेसिकली बहुत लाखों लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हज़ारों लोग ऐसे उसकी टिप्स में फंस जाते हैं जिनको लगता है कि इसकी बात तो सही है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, सब एक अनुमान लगा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मुझे पता है शॉर्ट शॉर्ट ये चीज़ ऐसे होगी वैसे होगी, तो वो गलत बोल रहा है। तो अगर कोई आपको ऐसे बोलता है और आपको उसकी ऐसी टिप मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा ही कोई वो स्कैम कर रहा है और आपको खुद को बचाना चाहिए। अब क्या होगा कि वो आप लोगों से ऐसी फीस ले लेगा, 20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार, बेसिकली उसको आता कुछ भी नहीं है और आप उसकी टिप पे कोई पैसा लगा बैठेंगे आने वाले टाइम में, और आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी दोनों दफ़ा पहले जो टिप सही गई थी उसमें सिर्फ तुक्केबाजी थी, कोई भी उसके अंदर रिसर्च नहीं था। अब समझते हैं फ्रेंड्स दूसरे स्कैम के बारे में, जो अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे नए लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कैम को कहते हैं कहीं ना कहीं पैनी स्टॉक स्कैम या फिर ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स का स्कैम। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर कोई छोटी छोटी कंपनियां जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम, कोई उनका नाम नहीं है, उनके ऑपरेटर जो होते हैं उनके प्रमोटर्स के साथ बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। सपोज कोई कंपनी है ABCD, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई सोया कंपनी हो सकती है, कोई ग्रीन कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मैं नाम नहीं लूंगा। सपोज वो इनके प्रमोटर्स के साथ बातचीत करते हैं, इनके साथ एक प्लान बनाते हैं, वो कंपनी मान लीजिए 1 रुपए की है, वो खुद ही उसके शेयर्स को खरीद के उस कंपनी में पैसा आर्टिफिशियली डाल के मार्केट में कोई गुड न्यूज़ ला के न्यूज़पेपर्स में, मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, यहाँ से वहाँ से उस स्टॉक के अंदर आर्टिफिशियल एक डिमांड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर माहौल को दिखाएंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही कंपनी, और उस स्टॉक के 1 रुपए के स्टॉक का प्राइस बढ़ा बढ़ा के 5 रुपए कर देंगे, देन 6 रुपए कर देंगे। देन वो क्या करेंगे, ये जो लोग जो नए आते हैं जिनको उनका नंबर मिला होता है, वो उन लोगों को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि एक कंपनी है ये, एक कंपनी है ये, आप इनको ऑब्जर्व कीजिए, ये कंपनियाँ बहुत अच्छा करेगी, हमारे पास सोर्सेज है, हमारे पास टीम है, ये कंपनी 5 रुपए की है, आज ये 50 रुपए की हो जाएगी एक साल के अंदर, आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा पैसा लगाइए। तो आदमी क्या करता है ऐसे में कि जनरली जो लोग फंसते हैं वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा पैसा लगाते हैं, वो कहते हैं चलो 10 हज़ार रुपये डाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, ज़्यादा से 10 हज़ार का नुकसान होगा, हम निकाल लेंगे अगर थोड़ा लॉस हुआ। तो उनकी आंखों के सामने वो 5 रुपए का स्टॉक वो ऑपरेटर खुद ही खरीद खरीद के 10 रुपए का कर देता है, उस बंदे के 10 हज़ार भर्ती हो जाते हैं 20 हज़ार। देन वो क्या करते हैं कि उसको और बोलते हैं कि और पैसा डालो सर, आपको तो अभी 10 हज़ार के 20 हज़ार हो गए, आपने अगर 1 लाख डाले तो 2 लाख हो गए होते, ये स्टॉक तो 50 रुपए का होने वाला है।
तो आदमी क्या करता है, इधर से उधर से कहीं से भी उधार लेके अपने दोस्त को पकड़ के इसको उसको और पैसा डालता है और पैसा डालता है। बेसिकली लोग फंसते चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों का पैसा डलवाते हैं, इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, ये चेन बढ़ती चली जाती है। तो हुआ क्या होता है कि बेसिकली ऑपरेटर ने खुद ही 1 रुपए के स्टॉक को चढ़ा के 10 रुपए तक चढ़ाया होता है। उसके बाद जितना भी पैसा आता है उसके अंदर हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है, भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है। वो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दम नहीं है, न्यूज में गलत फैक्ट्स बताए जा रहे हैं इधर से उधर से मीडिया के थ्रू, सिर्फ एक आपको उसके अंदर चढ़ाया जा रहा है, उस स्टॉक को बढ़ाते जाते हैं 10 रुपए से 15 रुपए 20 रुपए, आपकी आंखों के सामने आपका पैसा बढ़ता जा रहा है और आपका लालच भी बढ़ता जा रहा है, आप उसके अंदर पैसा और ज्यादा डाल देते हैं। तो होता क्या, फाइनली जब ऑपरेटर का सारा काम हो जाता है, वो उसने जितना भी माल खरीदा होता है शुरू में 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक, उस सारे को एकदम से बेच देता है और स्टॉक का प्राइस सीधा धड़ाम से लोअर सर्किट की एक रैली के अंदर आ जाता है, 20 रुपए तक सीधा गिरना चालू होता है, 15 पे, 15 से आता है 10 पे, 10 से आता है 8 पे। अब आपने इन्वेस्ट किए थे अपने लाखों रुपए कहीं ना कहीं 20 रुपए पे 15 रुपए पे, आपकी आंखों के सामने आपका कैपिटल आधा हो जाता है, 60% रह जाता है, कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉप पे फंसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पैनिक सेलिंग आ जाती है, हर कोई स्टॉक से निकलना चाहता है, अपने माल को बेचना चाहता है, तो ऐसे में एक पैनिक सेलिंग आ जाती है जो और ज्यादा उस स्टॉक के प्राइस को गिराती है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, वापस जो स्टॉक 1 रुपए से जर्नी स्टार्ट हुई होती 20 रुपए की, वापस वो 1 रुपए पे ही आ जाता है। और इसमें फंसा कौन होता है, ऑपरेटर ने क्या किया होता है, अपना पैसा जो 1-2 रुपए के स्टॉक को खरीद के चढ़ा के लगाया होता है 10 रुपए पे 15 रुपए पे 12 रुपए पे 20 रुपए पे, हम लोगों को बेच दिया होता है। और नुकसान किसका होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो लोग टॉप पे फंस गए उनका ज्यादा नुकसान होता है, जो बीच में फंसे उनका और कम नुकसान होता है, मगर नुकसान टोटल अब देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का हुआ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपनी ग्रीड पे काबू रखना चाहिए। जो लोग नए आते हैं वो सोचते हैं कि कोई हम लोग जैकपॉट की लॉटरी की टिकट ले रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऐसे काम नहीं होता फ्रेंड्स। आपको स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा रिटर्न देगी, हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये आपको FD के मुकाबले बैंक्स के मुकाबले बहुत अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन आपको अपने लालच पे काबू रखना है, आपको कभी भी इन अनरियलिस्टिक टारगेट्स को नहीं लेना, आपको हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट, एक अच्छी अप्रोच, आप अच्छी कंपनी से पैसा लगाइए, इन्फोसिस में, रिलायंस में, ब्लू चिप्स में पैसा लगाइए, और उसमें भी आप एक थोड़ी स्टडी करके, रिसर्च करके, समझ के अच्छे टाइम पे पैसा लगाइए, फिर आपका पैसा लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे अच्छी कंपनी फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ कॉमन स्टॉक मार्केट स्कैम्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ, आप फंसे, आपका कोई नुकसान हुआ, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताइए, ताकि मैं इस बात को और ज़्यादा स्प्रेड कर पाऊँ, ताकि और लोगों को ये बात पहुँचे और कम से कम लोग आने वाले टाइम में ऐसे स्कैम्स के अंदर फंसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें बेनिफिट हो पाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा।